दौसा परिवहन विभाग का वीडियो एक वायरल हो रहा है। शहर में जाम लगाकर वसूली करने का आरोप है। हालांकि वीडियो में वसूली का कोई सबूत साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बहस की आवाज सुनाई दे रही है। परिवहन इंस्पेक्टर से वसूली नहीं करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर वीडियो नहीं बनाने की हिदायत दे रहा है। पीजी कॉलेज के पास रात 1 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो कांग्रेसी पदाधिकारी वसूली की बात कहते हुए उसके अंदर सुने जा रहे हैं। बड़ी खबर दौसा से, जहां परिवहन विभाग का एक वीडियो वायरल हुआ है। पीजी कॉलेज के पास रात 1 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। आपने रास्ता जाम क्यों कर रखा है? रास्ता जाम, रास्ता खुला पड़ा। नहीं नहीं, बंद पड़ा था रास्ता। अब जाके चालू किया। अभी आपने चल रहा है आराम से। नहीं, रास्ता पूरा बंद था। नहीं नहीं, आपके आज ही भेजे 15 मिनट से गाड़ी। 15 मिनट से गाड़ी खड़ी है। आपने रास्ता क्यों बंद कर रखा है? बाजार में खड़े होके क्या चंदा वसूली कर रहे हो यहाँ पे? आप तो रोक रहे हो, आप तो एलिगेशन लगा रहे हो। एलिगेशन के बाद रोड जाम करके रोड जाम करके रोकोगे काम? हफ्ता वसूली रोड जाम करके करोगे आप? अब ये हफ्ता वसूली का तो आपके पास है, सब तो हमारे पास नहीं है। इस तरह से पैसा लोगे ट्रक वालों से? अच्छा, बीच सड़क के बीच में खड़े करके इनसे पूछो कितने पैसे दे दिए। हम क्या पूछे, ले लिए तुमने? अच्छा ठीक है, और बताओ। लक्ष्मीकांत इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दौसा से जुड़ गए। लक्ष्मीकांत, ये पूरा मामला है क्या और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, रात 1 बजे की वास्तविक स्थिति रही क्या? देखिए बिल्कुल, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इसमें सबसे अहम बात ये कि ये दो कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्हें कह सकते हैं उनकी तरफ से ये बना करके और ये वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि जो शहर के बीचों बीच यानी पीजी कॉलेज जो है वो काफी शहर का हृदय स्थल उसको कहा जा सकता है, जहां पर ये इस तरह के जाम के हालात के बाद में ये वीडियो बनकर के और वायरल हुआ है। लेकिन जो वीडियो में जिस तरह से आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ता लगा रहे हैं कि ये अवैध वसूली की जा रही है रोक करके, तो ये एक काफी गंभीर विषय है। हालांकि चूंकि ये वीडियो वायरल वीडियो है, इसकी पुष्टि के लिए हम कदापि तैयार नहीं हो सकते, लेकिन जिस तरह से इन लोगों से बात की गई है, जो वीडियो वायरल करने वाले शख्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनसे बात की गई, तो निश्चित रूप से इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, लेकिन अब चूंकि वीडियो वायरल हो गया है, साफ साफ समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, कन्वर्सेशन है उसमें दो लोगों की और एक जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो भी उसके अंदर दिखाई दे रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है इस पूरे मामले पर? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पुलिस से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ वीडियो है। जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई, ये परिवहन विभाग का वीडियो इसको बताया जा रहा है, और चूंकि इसमें वाहन जो है वो भी परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ वाहन है। जब हालांकि कार्रवाई की बात करें तो अभी अधिकारियों से इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी चलिए, शुक्रिया लक्ष्मीकांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कांग्रेस पदाधिकारी वसूली की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। दरअसल रात 1 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसके अंदर साफ तौर पर जो बात कही जा रही है वो ये है कि जाम लगा हुआ इतना लंबा, तो क्या जाम लगाकर ट्रकों से वसूली की जा रही है? ये सवाल दो कांग्रेस के कार्यकर्ता परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आ जाती है? सड़कों पर देर रात जो लंबे लंबे जाम लगते हैं उसकी एक बड़ी वजह क्या ये भी है? ये मौजूद सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रात 1 बजे दौसा से जो वीडियो वायरल होने की ये खबर सामने आ रही है उसमें कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि ट्रकों की ये लंबी कतार आखिर लगी क्यों है, क्या जांच हो रही थी या फिर इस पूरी जांच के बहाने कुछ वसूली जैसा काम किया जा रहा था जिसकी ओर ये ऑडियो वीडियो इशारा करता है।